अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब बहन भाई? ठीक ठाक हैं। और सब बहन भाइयों को आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अभी आज़ाद नहीं हुए, हम लोग आज़ाद नहीं हुए, पर हमारा पाकिस्तान आज़ाद हो गया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आज मैं बताऊँगी कि हम मेरे बेटे ने एक दिन पहले क्या एक्टिविटीज़ की हैं और आज रात को क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। सुबह का टाइम है तो बच्चे मेरे ख्याल अभी भी उठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर और शोर से तैयारी कर रहे हैं। और फिर बताते हैं कि अल्लाह पाक, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह पाक हमें आज ऐसा कुछ हो कि बारिश हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, ये देखें जी मेरा बेटा आज बहुत एक दिन पहले ही तैयारी कर रहा है। देखें झंडियाँ वगैरह लगा रहा है और ख़ुद ही सुबह का मेहनत कर रहा है, माशाल्लाह जी। नहीं मैंने तो नहीं बांधी, दूसरा बांधा। ये जो आप लगा रहे हो ये तो आप खुद ही बांध रहे हो, देखना जी। देखें जी अब्दुल हादी 14 अगस्त की तैयारी कर रहा है, देखें जी झंडे लगा रहा है खुद ही। ये देखें जी माशाल्लाह जी मेरा बेटा अब खुद ही बांधने के काबिल हो गया है। मामा टेप लाओ। टेप नहीं उतर जाएगी ना, टेप से नहीं उतर लगती। इतना बड़ा डंडा ही क्या? मैंने कहा था पापा लेकर आएंगे बेटा, इसमें नहीं जाएगा, फट जाएगा। अच्छा मैं खुद निकल डाल के देती हूँ। ये देखिए आदि की करना में, ये मुझे डालने भी नहीं दे रहा, ये पता नहीं कहाँ से फट्टी उठा के लेकर आ गया है। मैंने लो जी आदि की मेहनत रंग लाई है, आदि ने आखिरकार डाल ही दिया है। बस नीचे से बांधना पड़ेगा बेटा, ये यहाँ से नहीं निकलेगा, ऊपर सिलाई की हुई है। हाँ यहाँ से बांधना पड़ेगा, धागे ये हैं साथ ना लटके हुए छोटे छोटे। इधर दो मैं दिखाती हूँ बेटा, सही बांधना, उतर ना जाए। इस तरह नहीं मानते, इस तरह नहीं गठान लगाते। अटो 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 मैं कह रही हूँ, मैं लगा दूँ। इतनी ज़्यादा गुठाने नहीं लगाओ ना बेटा, खुल मुश्किल हो जाएगी। बस 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 आदि को झंडे से बहुत प्यार है, कहता है मामा बस झंडे वाले कपड़े भी झंडे वाले हूँ। अगर 14 अगस्त को मिल जाए ना कपड़े आदि के, फिर आदि जो छोड़ता नहीं है, एक दिन पहले ही तैयारी कर रहा है। जुड़ाऊंगा कि उड़ाऊंगा? तो बच्चों में ये सब जज्बा होना चाहिए ताकि बच्चे खुश रहते हैं और ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, उन्हें पता चलता है हमारे मुल्क के हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। सबको जश्न आज़ादी मुबारक। रात 12 बज गए हैं तो इतनी पटाखों की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई है और मैंने देखा तो हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी और मैंने कहा चलें, मैं जल्दी से कैमरा उठाया और मैंने कहा चलें मैं आप बहन भाइयों से भी शेयर करूं। और माशाल्लाह ये हमारे नज़दीक का बैरिया है और बैरिया से भी काफ़ी ज़्यादा ये आतिशबाजी हो रही है। मैंने जूम करके और अच्छी कोशिश की है दिखाने की। रात का टाइम है और बहुत अच्छी लग रही है आतिशबाजी। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे, और हाँ मुल्क है तो हम हैं, नहीं तो अपने मुल्क के अलावा बेशक जो सियासतदान आते हैं उन्होंने कुछ नहीं हमारे मुल्क के लिए किया। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क का ऐसा निज़ाम हो, यहाँ अच्छा निज़ाम हो, अच्छा कानून हो और हर चीज़ गरीब का ख्याल किया जाए। तो अल्लाह पाक ख़ास करके जो गरीब हैं उनकी मदद के लिए कोई वसीला बनाए और अच्छा जो भी हुक्मरान आए वो अच्छा हो। मैं किसी भी एक पार्टी के साथ नहीं हूँ, पर मुझे ये जो अच्छा हुक्मरान होगा, जो अच्छे काम करेगा वो अच्छा है। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। अब्दुल हादी सो चुका है, नहीं तो वो बहुत खुश होता।
मुझे ये सिर्फ म्यूट इस वजह से करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा शोर था और कुछ भी मैं जो बोल रही थी वो उस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, तो इस वजह से मुझे दिखाना पड़ा। तो हम लोग अगर आतिशबाजी इतनी खुशी से मनाते हैं तो हमें अपने गरीब बहन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। जी अब्दुल हादी की ये देखें जी कपड़े और ये बैज जो जलता है इसको ऐसे कर दें तो ये जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये रात को ज़्यादा फील होता है, इसको ऐसे करें बंद हो जाता है। ये बैज आया जी और ये चीज़ें हैं अब्दुल हादी की। अभी अब्दुल हादी को तैयारी करवानी है। आधी दिखाओ, आधी तैयार हो गया जी। इधर दिखाओ, मुंह उधर करो। ये देखें जी इधर जाज है, ये इधर देखें जी मीनारे पाकिस्तान। और ये हादी को मैंने अभी बनाए हैं जो हम लोग लेकर आए थे कलर। और आधी खड़े हो, ये देखें जी आधी का बैज भी चमक रहा है। आधी देखिए, आधी इधर देखो, आधी अपने झंडे से के पास तस्वीरें बना रहा था। तो माशाल्लाह जी गर्मी का जोर टूट गया, बादल और काफ़ी दिनों बाद बारिश हो गई है। आज़ादी के साथ साथ जी ठंडी ठंडी बारिश भी शुरू हो गई है। देखे पाँ बाजे बज रहे, आधी खुश हो रहा है। जब तक मैं नीचे आती हूँ तो बारिश से क्या हाल हो गया, दरवाजे बंद करने पड़े। और ये देखें छिनके, ये बारिश के जो कतरे हैं बाहर की तरफ हैं और ये नज़र आ रहे हैं। अभी मैं खोल नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। खोल दो। हाँ नहीं बेटा, तो वो सब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे।